How it is a rape? It is not a case of rape. She is a married woman. She has not taken divorce from the husband so far. स्वयंसो के मकान में किराए से सीधी में रख दिया था, जिससे वह अपने परिवार के भतीजे अर्थात अपयुक्त आवेदक लव के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। वह तीनों एक साथ रह के आना जाना करते थे। एक साथ रहने के दौरान अभियुक्त ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती उकसाया और मना करने पर जिंदगी भर साथ रखने और भरण पोषण करने का वादा किया। अभियुक्त ने परिवार और समाज से छिपकर अभियुक्ति से यह कहते हुए कि वह उससे प्यार करता है और जिंदगी भर साथ रखेगा, अभियुक्ति की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और अभियुक्ति ने बहकावे में आकर उससे शारीरिक संबंध बनाती रही। उसने उससे दो संतानें पैदा हुई। अभियुक्त और अभियुक्ति लगभग 11 वर्ष तक उसी किराए के मकान में रहते रहे। इसके पश्चात दिनांक 9/8/2021 को अभियुक्ति अपने बच्चों के साथ उसके मित्र सहित मरीसन स्कूल में स्वयंसो में किराए का मकान लेकर रहने लगी। अभियुक्त ने अभियुक्तों को बिना बताए दिनांक 10/12/2021 को मलड, दिस ऑब्जेक्शन इज फ्रॉम द लीगल एड मलड, द कंप्लेनेंट इज प्रेजेंट इन पर्सन, शी वांट्स टू मेक सबमिशन। क्योंकि जब तक हमारी बच्चों की डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो जमानत ना दी जाए। दैट्स ऑल राइट। आपका अपने पहले पति से तलाक हो गया क्या? नो सर। सर छोड़ने की जाओ तो रखते नहीं है, छोड़ने की धमकियां देते हैं सर, छोड़ने की धमकियां देते हैं सब मिल के, पति और ये भी। ऑलरेडी मैरिड वुमेन। यस सर। आप ने विवाह और इससे बच्चे पैदे हुए, अभी भी आपका पहले पति से कोई तलाक नहीं हुआ? यस सर। फिर भी मैं जाती हूँ सर तो कोई नहीं रखता है वहाँ घर में। चलिए आपको क्या कहते हैं? यस गवर्नमेंट ठीक है। यस आप, यस स्टेट। इसके अलावा भी वो बिना बताए फिर वो इसके जो जिनसे दो संतान है वो शादी। एट द मोस्ट इट इज अ केस मे बी of section 497 which has already been struck down. How it is a rape? It is not a case of rape. She is a married woman. Yeah. She has not taken divorce from the husband so far. Husband also used to come. कैसे अपराध कैसे बन रहा है बताइए। This is what the Supreme Court has also held under certain cases. But लिखिए श्री राकेश द्विवेदी। राकेश द्विवेदी लर्नेड काउंसिल फॉर एप्लिक स्टेट। श्री नीरज दुबे। नीरज दुबे लर्नेड काउंसिल विद प्रोसिक्यूटिक्स इन पर्सन प्रेजेंट। फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी हैज बीन फाइल्ड बाय एप्लीकेंट कुमार सावरे